बहुत सारे लोग ना अपने ऑनलाइन कोर्स को तैयार तो कर लेते हैं बट कभी ना उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वीडियो कहीं और पढ़ा होता है, टेस्ट कहीं और पढ़ा होता है, क्विज कहीं और रहता है, और ये सारी चीज़ें ना ऐसे बिखरी हुई रहती है कि बच्चा कोई भी जाता है कोर्स बाई करने का सोचता है बट वो इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट में ना देख करके वो कभी कोर्स बाई नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको ऐड करना चाहिए अपने वीडियो। जैसे ही आपका वीडियो ऐड हुआ, उसके साथ साथ अगर उससे रिलेटेड कोई पीडीएफ को ऐड होना चाहिए, साथ ही साथ उसका नोट्स वगैरह कुछ है अगर आप बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें और बच्चों को देना चाहते हैं तो उसके नीचे नोट्स रहे, और अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्विज वगैरह आपने तैयार किया तो क्विज भी उसके जस्ट नीचे रहे। तो क्या आपको करना है, पहले लेक्चर रखना है, उसके बाद पीडीएफ रखना है, उसके बाद नोट्स रखना है, उसके बाद क्विज रखना है। जब ये सारी चीज़ें अरेंज वे में रहेगी और जब आपका चैप्टर खत्म होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली कि जो भी चैप्टर आपने खत्म किया तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपने टेस्ट ले लिया। जैसे हुआ क्या कि जो भी बच्चे आपके वो चैप्टर कम्प्लीटली पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर टेस्ट दे दिए हैं तो उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो।